तो दोस्तों कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन लाइट आप लोगों के फोन्स में देखने को मिलेगी। ये एक आसान सेटिंग है, हर एंड्रॉइड फोन में आप लोगों को मिल जाती है। दोस्तों इस सेटिंग के बारे में बताऊंगा, व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो या कोई सी भी एप्लीकेशन हो, उसमें आप लोगों को कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन लाइट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब दोस्तों ये कहाँ पे सेटिंग होती है, क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो में बने रहेगा, चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आ जाएगा। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर सर्च करना है नोटिफिकेशन। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलता है। अब दोस्तों कुछ लोगों के फ़ोन्स में सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता, साइड में शो हो रहा होता है, तो आप लोग सेटिंग के ऑप्शन को सिर्फ आपको इनेबल करना है, ऊपर नोटिफिकेशन लिखना है, उसके बाद देख लें इस तरीके का इंटरफेस आएगा। दोस्तों सेटिंग को बिल्कुल समझना और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वही सेटिंग आपको करनी है, तो आपको वो नोटिफिकेशन लाइट शो होगी आपके व्हाट्सएप पे, ये कोई सी भी ऐसी एप्लीकेशन होगी उस पर आपको शो होगी। अब दोस्तों सबसे पहले देख लें आपको करना है क्या है, नोटिफिकेशन शेड में आना है। तो मैंने ये एंड्रॉयड पे रखा हुआ है, सही है, मैंने एंड्रॉयड पे रखा हुआ है। आप भी किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे इस तरीके की सेटिंग कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों नोटिफिकेशन वाइब्रेशन को आपको ऑन रखना है, सही है। उसके बाद नीचे देखें यहाँ पे डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। फिर नीचे आ जाएगा नोटिफिकेशन शेड, तो नोटिफिकेशन शेड को दोस्तों आपको हमेशा इनेबल रखना, ऑफ नहीं करना। जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो जो शेड है वो आप लोगों के फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। अब दूसरी चीज़ क्या है, नोटिफिकेशन बैजेस पे आ जाते हैं, तो इसकी सेटिंग भी देख लें, सबको इनेबल रखना है जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है, जिसमें आप नोटिफिकेशन लाइट चाहते हैं, सही है, इसको यहाँ से आपको इनेबल रखना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टाइल की और ऐप नोटिफिकेशन की। अब दोस्तों उस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ कि आपको वो चीज़ ऑन करनी है और नोटिफिकेशन लाइट आपको ऊपर शो होने लग जाएगी आप लोगों के फ़ोन में। फ़ोन आपका ऑफ होगा या ऑन होगा, वो लाइट आपको ज़रूर शो होगी। अब दोस्तों देखें यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, इस वाले ऑप्शन को दोस्तों आपको ज़रूर ऑन रखना चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग नोटिफिकेशन अगर फ़ोन आपका ऑफ होगा, इसको आप ऑफ रख लें, तो आपको नोटिफिकेशन लाइट आपके फ़ोन में बिल्कुल भी शो नहीं होती। और यहाँ पे जैसी मैंने आपको सेटिंग बताई है उसी तरीके की आपको सेटिंग रखनी है। फिर सिंपली आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन इफेक्ट वाला ये एक ऑप्शन देखा जाता है, सही है, नोटिफिकेशन इफेक्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन लाइट आप अपने हिसाब से इसका इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं, सही है, अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला इफेक्ट डाला हुआ है, सही है, ये वाली नोटिफिकेशन लाइट चूज़ करी हुई है। तो ये चूज़ करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें ये सेटिंग करने के बाद अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, आप देखें नोटिफिकेशन लाइट शो होती है ना इस वाले फ़ोन में। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट मैसेज किया है, यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें नोटिफिकेशन लाइट शो हो गई है। इस तरीके से दोस्तों आपको सेटिंग करनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह।